हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल लाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से आप डू इट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब ये कि दो अलग अलग वीडियोज़ को जोड़कर आप यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से। और इस आसान से तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में डू इट वीडियो बनाने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आपने यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से ईजिली मिल जाती है। फिर भी अगर ये प्ले स्टोर से आपको ना मिले तो आप गूगल से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर टू के आपने यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, तो सिंपली आपने यहां पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहां पर मैंने एक वीडियो अपनी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम एरो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को यहां पर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर डू इट वीडियो बनाने के लिए हम डू इट फ्रेम साइज देंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर बीजी के ऑप्शन पे आ जाना है और यहां पर आने के बाद वन बाय वन के फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करके आप इसे यहां पर ले आइए साइड पर, यानी कि फर्स्ट वीडियो को एक साइड पे कर दिया एंड देन गुड। उसके बाद हम दूसरी वीडियो ऐड करेंगे। दूसरी वीडियो ऐड करने के लिए आपने पीआईपी के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसा कि यहाँ पर मैं पीआईपी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी दूसरी वीडियो को ऐड करेंगे जो कि हमने डू इट के लिए ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी वीडियो यहाँ पर दूसरी भी आ चुकी है। अब दोनों वीडियोज में से एक वीडियो का हम म्यूजिक करेंगे बंद, चाहे हम मेन वीडियो का कर लें चाहे दूसरी वीडियो का म्यूजिक बंद कर लें। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक बंद करने के लिए आपने दोनों में से एक लेयर को सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पीकर के ऑप्शन पर आने, वॉल्यूम के ऑप्शन पर यहाँ पर आने के बाद आपने एक का म्यूजिक बिल्कुल बंद कर देना है, राइट। इसे बंद करने के बाद अब आपने आ जाना लास्ट में, यहाँ पर आपका काम है। अगर तो आपकी कोई वीडियो लिमिट से बाहर जा रही है तो आपने उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आने के बाद स्प्लिट करना है और वेस्ट पार्ट को डिलीट कर देना है ताकि आपकी वीडियो जो है वो बराबर हो जाए, राइट। उसके बाद आपने आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपकी दोनों वीडियोस यहाँ पर एक साथ प्ले होंगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले एक वीडियो प्ले हो फिर उसके बाद दूसरी वीडियो प्ले हो, उसको कहते हैं फ्रीज फ्रेम वीडियो एडिटिंग। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप इजीली ये सीख सकते हैं कि डू इट वीडियो एडिटिंग में पहले एक वीडियो प्ले हो फिर उसके बाद दूसरी प्ले हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में डू इट वीडियो कैसे करते हैं वीडियो एडिटिंग। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ्रेम रेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। और जैसे हम सेव करेंगे एक ऐड आएगा, उसे हम स्किप करेंगे एंड देन कार्ड के हम यहां पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो जो है वो यहां पर सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से डू इट वीडियो बना सकते हैं और उसके बाद आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और यही थी आज की हमारी वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।